आज 13 दिसंबर 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे और महसूस करेंगे कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक हूं। इस शरीर के अंदर एक अविनाशी दिव्य प्रकाश हूं और मेरा प्रकाश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से भरपूर हो रहा है। मैंने महसूस किया कि अभी घर जाने का टाइम है और मेरा घर 5 तत्वों से पार परम धाम में, जहां मुझ आत्मा के सच्चे पिता, प्यार के सागर शिव बाबा, उनके साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूं। प्यार का सागर शिव बाबा मेरे ऊपर अपना प्यार लुटा रहा है, बहुत प्यार करता है मुझसे। बाबा का प्यार मेरे अंदर समाते जा रहा है। जैसे बाबा का प्यार मेरे अंदर समाता जा रहा है, वैसे मैं आत्मा स्वयं को भरपूर अनुभव करती हूँ और ये परमात्म प्यार मेरे द्वारा अन्य आत्माओं को भी मिल रहा है। हर एक आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है, वो इस ईश्वरीय स्नेह का अनुभव करती है। हर एक को मैं बाबा का यथार्थ परिचय देती हूँ। मुझे बहुत नशा है कि बाबा ने मुझे चुना है। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। अंदर से भरपूर होने के कारण मैं सदा निर्विघ्न रहती हूँ और औरों को भी निर्विघ्न बनाने के निमित्त हूँ। सर्वशक्तिवान बाप दादा हमेशा मेरे साथ है। उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमसे ही इनमें नूर है। तुम मेरे हो, तुम परमात्मा के मददगार हो। तुमने कल्प कल्प बाप का युक्ति युक्त परिचय सबको दिया है। दिव्य गुणों की धारणा की है। तुम्हारा बाप से पूरा पूरा लव है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। जाओ, सभी को निर्विघ्न बनाओ। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा हर्षित हो रही हूं। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूं। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।